بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to all my dear students. उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे जो यहाँ मेरे साथ फिजिकली मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो खैर आफियत से हैं, इसी वजह से आज यहाँ फिजिकली मौजूद भी हैं। जो लोग ऑनलाइन मेरे सेशन को अटेंड कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ वो लोग भी खैर आफियत से हैं, ठीक हैं, और अल्लाह ताला इसी तरह खुश हो प्रोग्राम आपको रखे जी। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमने आपको होमवर्क असाइन किया था यस्टरडे, अब हम उस होमवर्क को डिस्कस करेंगे। होमवर्क के जो क्वेश्चंस थे, अच्छा मैं आपको ये बताता चलूं साथ साथ ऑनलाइन वालों को कि आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं मुस्तकिल मीटिंग में इन और आउट हो रहा हूं। उसकी रीज़न इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू मुझे नज़र आ रहा था, मुझे लगा कि इंटरनेट ठीक हो जाएगा, बट वो ठीक नहीं हुआ। दो बार मैं मीटिंग से आउट हुआ, तो फिर उसके बाद मैंने डेटा कनेक्शन से ज्वाइन कर लिया। डेटा में कभी कभी आपको थोड़ा सा आवाज़ का इशू फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने अब डेटा से ज्वाइन कर लिया है, मतलब हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत आवाज़ का इशू है, बट आई होप कि कनेक्टिविटी अब रहेगी इंशाल्लाह, ठीक है। अगर कहीं कोई बात समझ में नहीं आए तो मैं आपका थैंकफुल होऊंगा, अगर आप उसको पूछ लें, डिस्कस कर लें, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। स्क्रीन आपको शो हो रही है, मुझे बताइए सबसे पहला होमवर्क का क्वेश्चन कौन सा था। क्वेश्चन 14, ओके। जी क्वेश्चन 14 है जो स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने है। ओके शोएब साहब, अब आप जरा बताइएगा कि खुदा ना खास्ता ये प्रॉब्लम रहता है या हम इसको ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है। जरा देखिए और बताइएगा प्लीज, स्क्रीन आपको शेयर हो रही है, मेरी आवाज आ रही है। मैं इस वक्त माइक यूज नहीं कर रहा हूँ, माइक मैं यूज करना शुरू कर दूं अगर आप कहें तो। चलें ओके, मैं माइक भी यूज करना शुरू कर देता हूँ, बस थोड़ा सा हौसला रखें आप लोग, मैं माइक कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा जरा प्लीज। ओके बच्चों, माइक कनेक्ट कर लिया मैंने, अब बताइए आवाज़ थोड़ी बेहतर होगी क्योंकि उम्मीद करता हूँ। और लेकिन आपको पता है कि माइक जो है वो एक मुख्तसर अरसे के बाद इंतकाल पुरमलाल फरमा जाता है, तो चलें पढ़ाई की कोशिश करते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम हो बराह मेहरबानी पूछ लीजिएगा, तकल्लुफ मत फरमाइएगा। जो लोग यहाँ मौजूद हैं, मुझे अनफॉर्चुनेटली उनके रजिस्टर्स देखने का टाइम नहीं मिल रहा, आज पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों की नोटबुक्स को जो है ये शर्फ बख्शूं कि मैं उनको देखकर अपनी आंखों को मुनव्वर फरमा सकूं। ओके तो कल नहीं आई थी आप, खैरियत है? कल नहीं आई थी, खैरियत है? तो कल ऑनलाइन क्लास में थी, ऑनलाइन में भी नहीं थी, तबीयत खुदा ना खास्ता बहुत ज्यादा खराब थी। अब कैसा महसूस कर रही है? बेहतर है? कोशिश कीजिएगा बेहतर ही रहे तबीयत। जी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ भी नहीं, सोच लें। ओके तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन 14 आपसे डिस्कस कर रहा हूं। आप लोगों ने अपने पास दो जर्नल्स बनाए हैं, पहले जर्नल का नाम है सेल्स जर्नल, सबसे पहले बिजनेस का नाम अगर क्वेश्चन में आपको लिखा नजर आ रहा है तो आपने लिखा है। क्या मिस्टर बेग किसी बिजनेस का नाम होता है? तो मुझे लगा आपको मिस्टर बेग बिजनेस का नाम लगता है,
आप सबने पढ़े लिखा अंदाज अख्तियार किया, ब्लैंक्स या डैश 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 फर्म लिखा। उसके बाद आपने सेकंड लाइन में लिखा सेल्स जर्नल, और सेल्स जर्नल वाली लाइन में आपने एक्सट्रीम राइट साइड पे लिखा सेल जर्नल का पेज नंबर, जो के है पेज नंबर 3। उसके बाद आपने कॉलम्स बनाए, और कॉलम्स जो भी बनाए मुझे वो बताने की जरूरत तो नहीं है। डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, पोस्टिंग रेफरेंस, और आखिर में अमाउंट। इसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों ने इसमें जो डेट मेंशन की, पोस्ट की, वो है मार्च की 2 तारीख, मार्च की 9 तारीख और मार्च की 18 तारीख। क्या आप मुझे टोटल बता सकते हैं? दोबारा बोलेंगे एक आवाज में। 5100 रुपीस टोटल है। और जनाबे आली मोहतरम, अगर मैं गलत नाम ना पुकारूं, ताहा नाम है आपका, ताहा नदीम सर, काम किया है, कोशिश की है। अच्छा, अब जरा एंट्री पढ़े सर, क्या लिखी है आपने? मंथ एंड पर टोटल किया है ना, जहां 5100 लिखा है वहां आपने कुछ डेबिट और क्रेडिट मेंशन किया होगा कि कौन डेबिट और कौन क्रेडिट, क्या आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? जी सेल जर्नल में सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। 5100 लिखा ना, और नेम ऑफ कस्टमर्स के कॉलम में आपने 2 टाइटल ऑफ अकाउंट लिखे होंगे, ट्रेड रिसीवेबल, और इसके आगे ब्रैकेट में DR लिख लीजिए, सही है? और उसके बाद क्या लिखा है? सेल्स लिखा है। क्या इन दोनों के बेटा अकाउंट नंबर गिवन है क्वेश्चन में, बताइए? ये ऑनलाइन वालों से भी साथ साथ बात हो रही है मेरी, इन दोनों के अकाउंट नंबर आज क्वेश्चन में नजर नहीं आ रहे। तो ट्रेड रिसीवेबल, डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स जर्नल कंप्लीट। इसके बाद आपने सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बनाया। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में आपने वही सारे कॉलम बनाए सिवाय इनवॉइस नंबर के। आपने बनाया क्या? क्रेडिट नोट या क्रेडिट मेमो, ठीक है, क्रेडिट नोट या क्रेडिट मेमो, क्रेडिट नोट नंबर, क्रेडिट मेमो नंबर। और उसके बाद आपने उसमें कौन कौन सी डेट लिखी है आज, 15 और 19। अमाउंट बनी 350 रुपीज। थैंक यू सो मच ऑनलाइन वाले जो मेरा साथ दे रहे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। तमाम लोग कोशिश करें, पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होनी चाहिए आपकी तरफ से, ठीक है? अच्छा, और क्योंकि फिजिकल वाले तो किसी ना किसी तरह नजरों में आई जाते हैं, उनसे तो बात हो जाती है और वो पूछ भी लेते हैं, और अगर बात ना भी हो तो वो कम से कम मुंह टेढ़े कर लेते हैं, तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि बच्चा कुछ एबनॉर्मल सा महसूस हो रहा है। मैं खुद ही पूछ लेता हूँ भाई कोई मसला मसाइल, लेकिन ऑनलाइन वाले बेचारे पर्दे में है मुस्तकिल। चलिए, तो आपने 350 टोटल लिखा और आपने एंट्री बनाई अपना जनाब, अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा, शहीर साहब, एंट्री सुनाए सर। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट, DR मेंशन किया उसके आगे, और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, और अमाउंट 350 रुपीज है, बिल्कुल सही। सर सेल्स रिटर्न जर्नल का नंबर लिखा है क्या आपने? सेल्स रिटर्न जर्नल का नंबर पेज 5, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके बाद कहता है पोस्ट देम टू ईच कस्टमर सब्सिडरी लेजर, यकीनन आपने सब्सिडरी लेजर बनाया, और सब्सिडरी लेजर में प्यारे बच्चों आप थोड़ा सा जरा साथ रहिएगा, ऑनलाइन वालों को कह रहा हूँ, और हौसला भी रखिएगा, जरा मैं कुछ फिजिकल काम चेक कर लूँ लोगों के पास, जरा उनकी नोटबुक्स को देख लूँ ताकि मुझे अंदाजा हो जाए काम की पोजिशन क्या है। कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, बेफिक्र होके, लेकिन 2 मिनट के लिए जरा खामोशी इख्तियार कीजिएगा, ठीक है? सब्सिडरी लेजर, पहला कस्टमर कौन है सर? मिस्टर रिजवी, और इनका बैलेंस क्या है? फाइनल 1200 रुपीज। ओके जी, फाइनल बैलेंस क्या है मिस्टर रिजवी का? 1200। कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की, कोई घबराहट अगर हो तो बेफिक्र होके बतानी है, मैं आपको हेल्प करूंगा इंशाल्लाह। हाँ बच्चा इधर रखो इसको, शुक्रिया बहुत बहुत। दूसरे वाले का नाम खा गई आप बेचारे का, तीसरे वाले का भी नाम खा गई, जल्दी जल्दी में छाप तो नहीं दिया कहीं? अच्छा, वैसे छपाई में होते हैं आमतौर पर ऐसे काम। वेरी गुड, एक्सीलेंट,
जनाबे आलिया। दूसरे वाले कौन है? मिस्टर आराई। ओके, कितने अमाउंट है फाइनल? आवाज नहीं आ रही मुझे। 1550। आप लोग सुबह नाश्ता वाश्ता जरा अच्छा सा हेल्थी से करके आया करें, टाइट किस्म का, ताकि आवाज आवाज जरा स्ट्रॉन्ग आए। 1550 यही है ना? अच्छा ओके, और जनाबे अली 1550। ओके, ये मैं देख रहा हूँ, एक दो लोगों की नोटबुक में मैंने देखा, उन्होंने बैलेंस लिख के नीचे लाइन वाइन ड्रॉ की हुई है। ये फैशन कब से आया है? बैलेंस में अमाउंट लिखने के बाद लाइन वाइन ड्रॉ करना कब सिखा दी मैंने? मुझे भी नहीं पता चला ना ये इत्तेफाक हुआ है। ये बैलेंस में आप बैलेंस लिख के आप लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं बताया जिंदगी में। 1550। ओके जी शुक्रिया। 1550। ओके जी जबरदस्त। और ये क्या चीज है? शेड्यूल बनाया है एज ऑन फॉर द मंथ, नहीं एज ऑन March 31, 2001। ये किसी पर्टिकुलर डेट की पोजीशन बता रहा होता है, सही है? तो एज ऑन March 31, 2001 मैं यही कह रहा हूं, एज ऑन March 31 लिखें, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है, ज्यादा अच्छा है। मैंने एज ऑन बोला है बेटा, मेरे कल के रिकॉर्डेड लेक्चर को उठा के देख लें आप, मैंने एज ऑन बोला है मेरा बच्चा। एज ऑन का मतलब है जिस दिन हम ये शेड्यूल बनाने उस दिन का बैलेंस, सही है? और जब फॉर द मंथ लिखते हैं ना, उसका मतलब होता है पूरे महीने का बैलेंस। ये पूरे महीने का बैलेंस तो है ही नहीं, ये तो किसी पर्टिकुलर डे हम देख रहे हैं कि हमें इस दिन महीने के आखिरी दिन मिस्टर आराई से 1550 रुपए लेने हैं, या जो पहला वाला है मिस्टर रिजवी उनका बैलेंस जो भी है वो लेने हैं। तो ये किसी पर्टिकुलर डे की पोजिशन है, फॉर द मंथ गलत है अकाउंटिंग के लिहाज से। तो टीचर इसके, आपका बोर्ड बड़ा प्यारा बोर्ड है, बहुत अच्छा बोर्ड है, ऐसी छोटी मोटी बातों का नंबर नहीं डिडक्ट करता, लेकिन क्या आपने सिर्फ इंटर पढ़ के जाना है यहाँ से जिंदगी में? आगे आप जब जाएंगे और आपको ये चीज कोई और टीचर बताएगा कि तुमने गलत लिखा है, तो आपको ये एहसास होगा कि यार आपने कॉलेज लाइफ में मजाक किया, आपने गलत पढ़ा। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा ये छोटी छोटी बातें बताता रहता हूँ। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मिस्टर शेख का बैलेंस है 2000 और 4750 एज ऑन March 31। शुक्रिया बहुत बहुत। जी शेख साहब जबरदस्त बेहतरीन काम हुआ है, ऐसा लग रहा है मैं पढ़ी लिखी सी क्लास में आ गया हूँ, सब काम है मैं। हाँ काम, ये क्या ड्राइंग कर रहे थे हैं? क्या ये ऐसे होता है काम? इससे पहले काम की पोजीशन क्या है? हाँ ये अकाउंटिंग की नोटबुक है, ये किस चीज की नोटबुक है ये तो बताओ? रफ है तो फेयर कहाँ है? तो फेयर है का मतलब वो घर पे रखते हो? कल लाए थे? कल लाए थे यस्टरडे? कल मुझे याद से लाके खुद चेक कराइएगा आपके, मैं आज फेयर नोटबुक लाया हूँ, सही है? नाम क्या बताया आपने? आया ओके जी सर। शुक्रिया जी करीम साहब। सर मिस्टर शेख सही है जबरदस्त। जी सर काम हो रहा है, समझ आ रही है अकाउंटिंग? अल्लाह करे आपको आ ही रही हो समझ, इतना सारा आपने गैप दिया है उसके बाद मुझे थोड़ा सा खतरा है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है आपको ये वाली स्क्रीन तो नजर नहीं आती, और जब मैं इसको चेंज करता हूँ वो जो लिखने वाली स्क्रीन आती है वो भी नहीं आती क्या? नहीं नहीं सॉरी, अच्छा सिर्फ दरवाजा बंद कर दूंगा तो सही हो जाएगी स्क्रीन? ये सारी विंडोज खुली हुई है,
मेरा तो डेटा कनेक्शन चल रहा है, मुझे क्या इंटरनेट इशू होगा? कुछ आपको कुछ नजर आ रहा है अभी भी? कुछ भी नजर? बहरहाल मैंने आज भी सुबह उनसे रिक्वेस्ट की है। हाँ, बुक का काम तो आप बुक से देख लेंगे ना कम से कम। मैं रिटन वर्क जो मैं यहाँ करता हूँ स्क्रीन पे, वो अगर आपको नजर आया तो मुझे बताइएगा, मैं जिस तरह से भी अकोमोडेट कर सकता हूँ करूंगा। माशाल्लाह अब आप फुल स्ट्रेंथ आ रही है क्लास, जितने लोगों को दावत दी गई थी सभी तशरीफ ला रहे हैं। तो बहरहाल हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 14 चेक हो चुका है। मैं इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने, हाँ आवाज़ इसलिए अटक रही थी बेटा कि मैं दूर चला गया था ना आप लोगों से जरा थोड़ा। जी मशहूद भाई, अब आवाज आ रही है मेरी क्लियर? ये बताइए सब लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है अब, क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर चला गया था, बच्चों का काम चेक कर रहा था। जी सर, क्लियर है आपकी आवाज, बिल्कुल क्लियर है। दो मिनट के लिए जरा आप पेशेंस का मुजाहरा कीजिएगा। राइट प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 14 कंप्लीट, आप शेड्यूल भी अल्हम्दुलिल्लाह बना चुके हैं, और अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आप यकीन कीजिए मुझे इतनी खुशी हो रही है कि पूरी क्लास ने काम किया हुआ है, और आरिफा कल एब्सेंट थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काम करके आई हैं। अच्छा बिल्कुल, अटेंडेंस लेते हैं महक, थोड़ी देर रुक जाएं जरा, अभी तो टाइम है हमारे पास। ठीक है, आरिफा कल एब्सेंट थी, वो काम करके आई हैं। और कौन एब्सेंट था? और तुम्हारा नाम फिर भूल गया मैं, महानूर। महानूर काम करके आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में के जो एब्सेंट होने के बावजूद, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन क्लास इन्होंने ली होगी या रिकॉर्डिंग देखी होगी, कुछ ना कुछ किया होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है आज। इतना अच्छा फील आ रहा है कि इतने पढ़े लिखे लोगों की क्लास लग रही है ये। आप इसी तरह मेहनत करते रहेंगे ना तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। लेकिन अगर आप चीज़ों को सीरियस नहीं लेंगे तो फिर यकीन करें जिस सब्जेक्ट में मार्क्स आते हैं ना अच्छे, अगर उसमें अच्छे नहीं आए तो फिर बाकी में तो सोचिए क्या हशर होगा खुदा ना खास्ता। तो ये एक दो सब्जेक्ट हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा नंबर गेनिंग सब्जेक्ट हैं, क्योंकि इसमें कोई बहुत खतरनाक किस्म के ट्रिक्स या पेपर बहुत ज्यादा घूम के नहीं आता। एक पेपर का पैटर्न है, एक अकाउंटिंग का अंदाज है, ट्रांजेक्शन पढ़ने का अंदाज है। आप उसको एक बार क्लियर कर लेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 17। शेड्यूल भी था बिल्कुल, मैंने आप लोगों के रजिस्टर्स में ऑन ऑन ऑफ देखा है सब लोगों के पास, और मैंने एज ऑन वाली बात क्लियर करवाई थी इसीलिए। ठीक है, अच्छा ऑनलाइन वाले मेरी अगर आवाज सुन रहे थे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनके पास सारी बातें ऐसे ही हैं जैसे हमने कहा। समर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं एक काम करता हूं ना, मैं इन लोगों से बैलेंस पूछ के कॉल कर लेता हूं। वैसे लिख के भेजा था मुझे जनाब महक आदिल ने, मिस्टर रिजवी का फाइनल बैलेंस है 1200 रुपीज, मिस्टर आराई का बैलेंस है 1550 रुपीज, और मिस्टर शेख का फाइनल बैलेंस है 2000 रुपीज। सही है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 17 बताया आपने मुझे, क्वेश्चन नंबर 17 पर हम सब मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको सिर्फ बनाना था क्या? सेल्स जर्नल। आप सबने सेल्स जर्नल बनाया, और ये टॉपिक जो है ना आज या तो आज ही खत्म हो रहा है या फिर कल थोड़ी बहुत इस पर डिस्कशन होगी। इसके बाद हम SLO 4 शुरू करेंगे, पढ़ना 3 चाहिए लेकिन मैं 3 को डिले कर रहा हूं, और मैं उसको पढ़ाऊंगा क्लास एक्टिविटी के तौर पे, यानी बिल्कुल जब हम 4 कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 1, 2 और 4 यही पेपर में आने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपको 3 और 5 पढ़ा रहे होंगे तो आप घर पे आराम फरमाएंगे, बोलेंगे छुट्टी करते हैं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई 3 और 5 के कॉन्सेप्ट सेकेंड ईयर में आएंगे, तो इसलिए 3 और 5 को पढ़ना जरूरी है। वरना मुझे भी कोई शौक थोड़ी है कि मैं फजूल में आपका वक्त जाया करूं। इससे बेहतर ये नहीं कि मैं 1, 2 और 4 को रिपीट कर दूं, दोबारा उसकी प्रैक्टिस करवा दूं, आपको एडिशनल काम करवाऊं, 2-3 बुक्स एडिशनल लाइब्रेरी से उठा के उससे काम करवाऊं, ये सब हो सकता है। लेकिन हमें 3 और 5 भी पढ़ना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इनफ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बस ये है कि आप पास्ट पेपर से थोड़ा सा देखें क्वेश्चंस को, और मैंने आपसे कहा था कि मैं पास्ट पेपर देखूंगा, लेकिन माजरत मेरा शेड्यूल इंतहाई बिजी होता है और इस वजह से मैं पास्ट पेपर से आपको कुछ बता नहीं सका। यह है कि अगर कोई मुझे इंडिविजुअली पास्ट पेपर से चीजें जो है वो
कैप्चर करके मुझे फिर वो शेयर करे और मुझे लगे कि हाँ वो स्पेशल जर्नल का क्वेश्चन है, तो फिर मैं वो आपसे शेयर कर लूंगा ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिस तरह भी हो सकता है। क्वेश्चन 17 में सेल्स जर्नल जो आपने बनाया, क्या सेल्स जर्नल का कोई पेज नंबर है? क्या सेल्स जर्नल का कोई पेज नंबर है? नहीं है। ओके, बिजनेस का नाम है? बिजनेस का कोई नाम है? सोच लो, बिजनेस का कोई नाम नहीं है। क्या लिखा हुआ है? नहीं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं अभी, यहां क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है ये सबसे पहले? अच्छा, आप इसको अगर M और S के दरमियान स्लैश बना हुआ होता तो फिर इसे पढ़ा जाता मैसर्स, और जब मैसर्स पढ़ते तो मैसर्स किसी इंसान के नाम के साथ लगता, फिर ये बिजनेस का नाम होता। बात समझ आ रही है? लेकिन जब किसी इंसान का नाम होगा तो मिस, मिस्टर, मिसेस ऐसे वर्ड्स होंगे, तो ऐसी सूरत में हम उसे बिजनेस का नाम नहीं कहते। लेकिन मैंने कहा क्योंकि मिस और मैसर्स में ज्यादा फर्क नहीं होता, एक स्लैश लगा हुआ होगा एम के बाद, उसका मतलब होगा मैसर्स, और जब मैसर्स होगा तो मैसर्स का मतलब होता है किसी बिजनेस के नाम के साथ हम मैसर्स का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या स्लैश लगा हुआ है एम के बाद? मुझे नजर नहीं आ रहा, जब भी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आप लोग तो मिस मिस पढ़े आ रहे हैं इसे। मुझे स्क्रीन पे स्लैश बिल्कुल नजर नहीं आ रहा भाई, यहां से खड़े होके देखेंगे ना आप तो ये एम और एस पढ़ना भी बड़ा मुश्किल है। जैसे वो ताहा कह रहे थे ना कि सर मुझे स्क्रीन नजर नहीं आ रही हो, शायद हुजैफा को भी नजर ना आ रही हो, बैक बेंचर्स को स्क्रीन नजर नहीं आती है, वो टोटल बुक पे रिलाय करते हैं, और मैं यहाँ खड़ा हुआ उसके बावजूद, ये मैंने आपसे कहा था ना मुझे ये चार विंडोज इसमें नजर आ रही होती है, मैं विंडोज में पढ़ रहा हूँ मुझे, और मैं आज भी सुबह रिक्वेस्ट करके आया हूँ मैनेजमेंट से कि सर प्लीज इन विंडोज पे किसी कुछ भी ऐसा मैनेज कर दें कि हम इजीली पढ़ा सकें बच्चों को, और इवन सुबह सुबह मैंने रिक्वेस्ट की कि हमारी क्लास को मूव कर दें आप दूसरी क्लास में, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है पढ़ाते हुए, और बच्चों को तो डेफिनेटली होती है, जब टीचर को हो रही है तो बच्चों को क्यों नहीं होगी। लेकिन बहरहाल आप फिर भी पढ़ रहे हैं, आप कोऑपरेट कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सबने बताया, आई एम अगेन वेरी मच थैंकफुल। जी मैंने बोला हुआ है बेटा, बिल्कुल कर्टन का बोला हुआ है मैंने, मेरा बच्चा, लेकिन बस जाहिर सी बात है ये कोई छोटी सी एक दुकान तो है नहीं कि बस हम पैसे लेके चीज खरीद के लाके यहाँ लगा दें, पूरा एक प्रोसीजर होता है यहाँ पर, पूरी एक यानी रिक्वजिशन यहाँ से जनरेट होगी, फिर वो जाएगी फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करेगा, फिर वो किसी से अपना जो है वो फर्दर इंक्वायरी लेंगे, दो तीन जगह से पूछेंगे रेट, उसके बाद वो चीज खरीदी जाएगी, लंबा प्रोसीजर है। जी हुजैफा थोड़ा सा जोर से बोले प्लीज, मास्क रिमूव कर लें। मैसर्स लिखा हुआ है, मैं यही अर्ज कर रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसमें स्लैश लगा हुआ है, मैं तो बता रहा था, अल्लाह ताला ने बचा लिया। मैं कह रहा था एम एस, आप इसको मिस पढ़ रहे थे, मैंने कहा भाई एम एस लिखा होगा इसलिए बच्चे मिस पढ़ रहे, लेकिन जब एम स्लैश एस लिखा हो तो वो मिस नहीं होता, वो मैसर्स होता है, और मैसर्स किसी बिजनेस के नाम के साथ होता है। तो आज आप सब लोग सेल्स जर्नल जो बनाया उसके टॉप पर लिखें मैसर्स बेग। बात समझ आई या अभी भी नहीं आई हुजैफा? सही। उसके बाद सेकंड लाइन में लिखा सेल्स जर्नल, क्या इसका पेज नंबर है? आपने बोला पेज नंबर नहीं है। ओके, इसके बाद आपने कॉलम बनाए डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, पोस्टिंग रेफरेंस और अमाउंट, और आपने इसमें कौन कौन सी डेट पोस्ट की है बताइए। 1/5, 1/5/15, 1/5/18, और इसका मतलब है सिर्फ एक ट्रांजेक्शन को आपने इग्नोर किया है, और वो ट्रांजेक्शन है कौन सी? मर्चेंडाइज जिसमें बेची गई है, किस पर? कैश पर, और बाकी सारे ट्रांजेक्शन को आपने पोस्ट कर दिया, ऐसे ही हुआ तारिक साहब? ओके, टोटल बताएं तारिक भाई, दोबारा बोले जोर से। 81,000, क्या आप सबके पास 81,000 है? ओके, 81,000 रुपीज आप सबने टोटल लिखा, और एंट्री बना ली ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, क्या इन दोनों के अकाउंट नंबर हैं? ट्रेड रिसीवेबल का नंबर है, रोहान भाई बताइएगा प्लीज, 1102, और सेल्स का अकाउंट नंबर शाह सलीम साहब पढ़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके पढ़ने का। इसके बाद आप लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों बनाए अकाउंट रिसीवेबल
और सेल्स के लेजर, लेजर किस शक्ल में बनाने हैं बताया नहीं, मैंने पूछा, आप ने जो सवाल पूछा वो आप जवाब नहीं दे रहे। मैंने कहा लेजर किस अरे मेरा बच्चा सवाल तो सुन लो, लेजर किस शक्ल में बनाने हैं ये बताया, कौन बताया है सवाल में कहीं लिखा, मैं पूछ रहा हूं, मुझे नजर भी नहीं आ रहा, ऊपर से आप बताते नहीं है। आज जर्नल लेजर कंट्रोलिंग अकाउंट किस शक्ल में बनाने हैं बताया, नहीं बताया तो किस शक्ल में बनाए। लेजर जब भी बनाने को कहेगा जिंदगी में, इंटर के लेवल पे नहीं बोल रहा, आप सीए कर लें, आईसीएमए कर लें, एसीसीए कर लें, कुछ भी कर लें जिंदगी में भाई, एमबीए कर लें, एमफिल कर लें, पीएचडी कर लें, जब भी लेजर बनाने को कहेगा और अगर वो ना बताए किस शक्ल में बनाना है, तो आप अपनी शक्ल जैसी भी रखें लेजर की शक्ल टी होनी चाहिए। समझ में आई मेरी बात, लेजर किस शक्ल में होगा, टी की फॉर्म में, जब वो बताएगा नहीं तो कह रहा हूं, वरना जब वो कोई शक्ल बताएगा तो बस उसी शक्ल में बनाएंगे मेरा बेटा। तो आपने पहला अकाउंट बनाया टी फॉर्म में और उसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल, और यकीनन डेबिट क्रेडिट लिखने के साथ क्रेडिट से पहले थोड़ा सा आपने क्या लिखा है, अकाउंट नंबर, हाँ तो मैंने बोला तो था ये शास से पूछा था याद करो, और इनसे भी पूछा था अपना रोहन भाई से, याद आया, ओके प्यारे बच्चों। और चेक मार्क भी लगाए होंगे आप लोगों ने सारे जर्नल्स में, है ना, अब तो ये रूटीन का काम है, अब तो हम खत्म करने जा रहे हैं चैप्टर को, सही है, और जो छोटी मोटी चीजें होंगी वो डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा प्यारे बच्चों, अब ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाकर डेबिट क्रेडिट लिखकर क्रेडिट से पहले आपने लिखा अकाउंट नंबर, दैट इज 1102, और अब ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में किस साइड पर पोस्टिंग की है बोलो, डेबिट साइड पर पोस्टिंग की है, सबसे पहले लिखा 2000, लाइन ड्रॉप की, नेक्स्ट लाइन में लिखा अप्रैल 30 होता है हमारे यहां आजकल, अप्रैल 30, ठीक है, और फिर आपने रीजन लिखनी है तो लिखी सेल्स, और फिर पोस्टिंग रेफरेंस लिखा कहां से देख के छाप रहे हो, SJ, और आज उसका कोई नंबर नजर नहीं आ रहा। SJ के बाद अब आपने अमाउंट लिख दी कितने रुपए, 81,000, कंप्लीट, और इसके बाद आपको ट्रेड रिसीवेबल और कहीं भी नजर, इनफैक्ट आपने कोई जर्नल ही नहीं बनाया, तो आप चाहें तो अगर फारिग तहसील है, जिंदगी में कोई काम नहीं है, तो कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन लिखते रहे बेवकूफों की तरह, वरना पाकिस्तानी तरीका, जापानी तरीका क्या है, 99 लगा के क्लोज कर दें, यही बैलेंस है इस अकाउंट का, और इसी साइड पर है, किस साइड पर, डेबिट साइड पर 81,000 रुपीज। इसके बाद दूसरा अकाउंट बनाया आपने सेल्स का, सेल्स का अकाउंट बनाकर डेबिट और क्रेडिट और अकाउंट नंबर मेंशन किया, और सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखा 2004, और फिर आपने लिखा जनाब 2003, और फिर लिखा अप्रैल 30th, और फिर लिखा ट्रेड रिसीवेबल, और फिर लिखा आपने SJ, और अमाउंट लिखी 80, और डबल लाइन लगा के क्लोज कर दिया, जर्नल लेजर बन चुके हैं। इसके बाद क्या बनाना है, प्रिपेयर अकाउंट रिसीवेबल फॉर ईच कस्टमर इन सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म इन सब्सिडरी लेजर, तो आपने कितने सब्सिडरी लेजर बना लिए, ओके चार बना लिए। ऑनलाइन वाले तमाम खवातीनों हजरात से दरखास्त है कि अपनी अपनी अटेंडेंस जरा मार्क कर दीजिए, वॉलेंटियर समेत सब लोग, नया शुक्रगुजार हूं मैं आपका। हम ना आरिफ बेटा, आप मोबाइल से और लैपटॉप से दोनों से लॉगिन है, ऐसा क्यों है मेरा बच्चा, इतना क्यों पढ़ रही हो, थक जाओगी, दो दो जगह हैं हम ना बेटा, दो दो जगह क्यों पढ़ रही हो मेरा बच्चा, इतना पढ़ने का शौक हो गया हम ना, आपको मेरी आवाज आ रही है, अच्छा अच्छा चलें ठीक है, नो प्रॉब्लम, हाँ बस खुदा ना खास्ता, फिर चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस हो चुका, सब्सिडरी लेजर बाकी है, उसमें क्या डिस्कस करूं, उसमें तो एक एक ट्रांजैक्शन लिखी है, उसमें तो एक एक ट्रांजैक्शन आई है ना, एक सब्सिडरी लेजर में दो ट्रांजैक्शन तो आई, तो उसमें गलती होने का इम्कान तो ना होने के बराबर है, सिंपल, जो आपने डेबिट में लिखा होगा वही बैलेंस में लिखा होगा, और एक एक नाम एक ही मर्तबा आया है या दो बार आया है कोई नाम, तो
तो पहला सब्सिडरी लेजर नाम बोलो, जहीर एंड सन्स बैलेंस बोलो, दूसरा सब्सिडरी लेजर और बैलेंस बोलो 27,000, और इसके बाद आखिरी सब्सिडरी लेजर अहमद एंड, अच्छा तीसरा है ये, इसके बाद मिस्टर ओके हकीम का भी है, तो अहमद का बैलेंस है 20 और हकीम एंड को का बैलेंस है, वेरी गुड एक्सेलेंट। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है अगर तो आप बताएं, हम उसका मिलके हल निकालते हैं। किसी को कोई मसला है तो पूछ के देखे बस एक बार, मैं फौरन बताऊंगा इंशाल्लाह। नहीं कोई मसला नहीं है, सारे चैंपियन आलमी चैंपियन हमारे। सर एक बात पूछनी थी। जी फरमाइए सर, जो आपने सब्सिडी लेजर बनाया उसमें सारी चीजें डेबिट वाले उसमें आएंगी ना? जी मेरा बेटा बिल्कुल, क्योंकि हमें सबसे पैसे लेने हैं और ये रिसीवेबल, और रिसीवेबल की नेचर आप लोग भी बता, एसेट रिसीवेबल की नेचर और एसेट आ रहा है, हमें लोगों से पैसे लेने, जब एसेट बढ़ता है तो हमेशा डेबिट लिखा जाता है, सही है? जी सर। ओके मेरा बच्चा, चलो भाई अब आ जाओ आज के आखिरी सवाल की जानिब। ये सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? ये क्वेश्चन अभी हम क्लास में अटेम्प्ट कर रहे हैं और आज घर जाके आप पास पेपर्स को देखें प्लीज, कोशिश करें और कोई चीज समझ आ, पहले तो कोशिश करें ग्रुप पे डिस्कशन करें, ग्रुप पे शेयर करें एक दूसरे के साथ चीजें, अकाउंट्स के ग्रुप पे ना, और उस पे मतलब एक अच्छी डिबेट होनी चाहिए, फजूल बहस ना हो एक दूसरे से, मतलब दुश्मनियां निकाली जा रही हो, वो होता है ना किसी की किसी से बन नहीं रही, तो फजूल में वो एक दूसरे को कमेंट, इस तरह के कमेंट्स होंगे तो फिर मैं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि एक अच्छी डिबेट हो और आप अपने क्वेश्चंस वहां पोस्ट करें पास पेपर से। क्वेश्चन 9 अभी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। सवाल की खासियत क्या है? सवाल की खासियत यह है कि आपका जिक्र हो रहा है, आपका तस्किरा हो रहा है, आपका जिक्र किया जा रहा है पहली दो लाइनों में। पढ़िए, आपको अपना नाम नजर आएगा, न्यूली अपॉइंटेड एंड, बस देखा, तो इसका मतलब है अभी आप जैसा कोई खत्म अकाउंटेंट आया है जिसको अभी अकाउंटिंग सही से आती नहीं है और उसने बनाया है ये सेल जर्नल। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको अंडरएस्टिमेट नहीं कर रहा, अब आप सेल जर्नल बना सकते हैं और बहुत अच्छा बना सकते हैं, लेकिन अब आप थोड़ा सा प्रोफेशनल अकाउंटेंट होने के लिहाज से सोचें कि ये सेल जर्नल में क्या मिस्टेक्स हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाना शुरू करें सेल जर्नल प्रॉपर। चलें शुरू हो जाएं सब लोग, अब सेल जर्नल आप खुद बना रहे हैं। बेटा आयशा अटेंडेंस मार्क हो चुकी है, मेरी समझ में नहीं आता कि जब मैंने अटेंडेंस मार्क करने को कहा है तो आप कहाँ थी उस वक्त। फिर आप लोग बोलते हो कि सर हम क्लास में होते हैं। अच्छा चलो ठीक है भाई, महक मान ली, आप लोग बहुत अच्छे बेटा पढ़ने में मेरा बच्चा। चलो आयशा क्लास में थी और मैंने ना चुपके से अटेंडेंस ले ली आज, आयशा को पता ही नहीं चला, वेरी गुड। आयशा परेशान नहीं हो, तुम काम करके दिखाओ और रिप्लाई देती रहो मुस्तकिल, अब मुझे लगे कि आप क्लास में हैं अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, परेशान नहीं हो। चलें जी जल्दी से सेल जर्नल बना रहे हैं, करेक्ट सेल जर्नल, रिवाइज्ड करेक्ट सेल जर्नल। जी सर वो दोबारा बोले, नहीं जर्नल लेजर ये होते हैं, कंट्रोल अकाउंट कहां बना है, ये सब्सिडरी लेजर होते हैं। एक एक कस्टमर का या एक एक सप्लायर का जो बैलेंस बताए उसे सब्सिडरी लेजर कहते हैं, और जो टोटल बताए कि मुझे सबसे इतने रुपए लेने उसे जर्नल लेजर कंट्रोलिंग अकाउंट्स कहते हैं, सही है? कंट्रोलिंग लेजर टोटल बताता है, सही है, और सब्सिडरी लेजर इंडिविजुअल, जैसे तारिक से कितने पैसे लेने या तारिक को कितने पैसे देने, रोहन से कितने लेने, हुजैफा से कितने लेने। ओके हाँ आ रहा हूं, बोलिए। हाँ डेबिट में लिखेंगे क्योंकि मर्चेंडाइज बेची है हमने अहमद को उधार पर, तो हमने अहमद से पैसे लेने हैं, लिए नहीं है लेने हैं, हमारे पास पैसे लेने का राइट है अहमद से, ठीक है? हमने सबको ही सामान बेचा है, सारे जुमले देखो सब में ही सामान बेचा है, बस यहाँ ऑन क्रेडिट का वर्ड उसने लिख दिया, और अगर वो ऑन क्रेडिट ना भी लिखे तो अंडरस्टूड कि हम सामान सबको उधार पे बेचे।